मुझे टाइम मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं देखने जाऊँ एक मैच, और उम्मीद है कि हम मैं फाइनली देख पाऊँ और फाइनल देखें और वहाँ पे उनको जीतता हुआ देखें, तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। ऑल ओवर जो इंडियन एथलीट्स के अंदर जो बिलीव आ गया है और जो एक मैं बता रहा हूँ कि फियरलेस होकर वो खेल रहे हैं, अभी कोई उनके अंदर डर नहीं है कि कौन एथलीट्स उनके साथ भिड़ने वाला है, किसके साथ उनका कंपटीशन होगा, कोई डर नहीं है। वो बस अपना बेस्ट देना चाहते हैं। पता नहीं, मतलब मैं वो देखना पड़ेगा कौन कौन आए थे, मैं बात करूंगा जो जो वहाँ पे खेलने गए थे। लेकिन बिल्कुल ये रहेगा, मेरा भी मन है और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम फैमिली के साथ ही बिताऊँ, लेकिन उसके बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं देखने जाऊँ एक मैच, और उम्मीद है कि हम मैं फाइनली देख पाऊँ और फाइनल देखें और वहाँ पे उनको जीतता हुआ देखें, तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। वो दिल से हमारी इच्छा है। बिल्कुल जी, सिर्फ जेवलिन की मैं बात करूँगा, लेकिन जिस तरीके से हर एक स्पोर्ट में, जैसे मतलब मैं बैडमिंटन प्लेयर्स से मिला या दूसरे कबड्डी प्लेयर्स से मिला, काफ़ी एथलीट्स से मिला, ऑल ओवर जो इंडियन एथलीट्स के अंदर जो बिलीव आ गया है और जो एक मैं बता रहा हूँ कि फियरलेस होकर वो खेल रहे हैं, अभी कोई उनके अंदर डर नहीं है कि कौन एथलीट्स उनके साथ भिड़ने वाला है, किसके साथ उनका कंपटीशन होगा, कोई डर नहीं है। वो बस अपना बेस्ट देना चाहते हैं और सभी अभी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसीलिए हम इतने ज़्यादा मेडल जीत पाए एशियन गेम्स में भी और पैरा एशियन गेम्स में भी। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सभी तरह से अभी सपोर्ट मिल रही है और अभी हमको कोशिश करनी है किस तरीके से हम ओलंपिक जैसी जगह पर और ज़्यादा अपने आप को दिखा सकें और अपना फ्लैग और ज़्यादा ऊपर लेके आएँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।